तो भाई सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूं कि मैं इस अकाउंट पर किस टाइम पर वीडियो अपलोड करता हूं, क्योंकि आप इस अकाउंट का यहां पर एनालिटिक्स देख सकते हो लास्ट 30 डेज का। भाई 12 मिलियन तो अकाउंट की रीच आ रही है, 12 मिलियन भाई अच्छे अच्छे की बस की नहीं होती, 12 मिलियन लानी मैंने यहां पर 15-20 दिन में लिया आया। और यहां पर आप फॉलोवर्स देख सकते हो भाई 54,000 यहां पर फॉलोवर्स वगैरह हो रहे हैं, तो यहां पर लास्ट 30 डेज का यही है। भाई मैं सही बता रहा हूँ, अच्छे अच्छे भाई जो ऑफिशियल टिक है ना उनके उनके मेरे पास डीएम आया है कि तुषार भाई मतलब तुम क्या कर रहे हो, ऐसा तुम क्या एल्गोरिथम यूज कर रहे हो। सही टाइम पे रील्स अपलोड करना बहुत बड़ा एल्गोरिथम होता है, ये मेरा रियल सब्सक्राइबर जानता होगा, क्योंकि मैं अपनी वीडियो में बताता हूं कि भाई टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब मैं इस अकाउंट पर किस टाइम पर अपलोड करता हूं, 6:30 से 7 बजे के बीच में अपलोड करता हूं मैं, ठीक है ना। यहां पर इस अकाउंट पर आप लोग व्यूज वगैरह देख सकते हो, तो 6:30 से 7 बजे के बीच में इस अकाउंट पर अपलोड करता हूं। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप भी इस टाइम पर अपलोड करो, क्योंकि सबके लिए अलग अलग टाइम होता है। हालांकि इंस्टाग्राम ने मुझे यही टाइम बता रखा है, अब ऐसा नहीं है जो इंस्टाग्राम बता रही है वो सही हो। मैं आपको बताता हूं, इस अकाउंट के अगर मैं यहां पर फॉलोवर्स में जाता हूं तो यहां पर लास्ट एक्टिव फॉलोवर्स में जाता हूं बेसिकली, तो यहां पर इंस्टाग्राम ने कह रहा है कि 6 बजे आपके सबसे ज्यादा एक्टिव फॉलोवर्स है। अब इसका मतलब ये नहीं कि मैं इंस्टाग्राम की बात मान के अपलोड करता हूं, मैं अपलोड इसलिए करता हूं क्योंकि ये मेरे एल्गोरिथम इस अकाउंट पर इस टाइम पर सेट हो रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि टाइम के एल्गोरिथम होते क्या है, ताकि आप भी समझ जाओ कि हमको किस टाइम पर अपलोड करनी है, ठीक है। देखो बेसिकली क्या है, जो रील्स वायरल होती है वो कैसे वायरल होती है, इंस्टाग्राम के जो एल्गोरिथम है वो पहले ये देखते हैं कि यहां पर आपने रील्स अपलोड करी, ठीक है ना, एकदम से कितने जने आए, कितने जने उस रील्स पर आए। इसका मतलब होता है कि मतलब एल्गोरिथम ये समझ जाते हैं कि हां भाई कंटेंट में दम है, क्योंकि भाई एकदम से पब्लिक टूट पड़ी तो यहां पर जाहिर सी बात है कंटेंट में दम है, तो एल्गोरिथम आते हैं और उसको आगे भेजते हैं। तो आपको कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा व्यूज लेने होते हैं, तभी यहां पर जो वीडियो होते हैं वो वायरल होते हैं, ये भी एक एल्गोरिथम होते हैं। तो यहां पर अगर आप उस टाइम पर अपलोड करोगे जब आपके फॉलोवर सबसे ज्यादा एक्टिव है। अब मैंने कैसे पता लगाया कि भाई मेरे फॉलोवर सबसे ज्यादा इस टाइम पर एक्टिव है, स्टोरी डालकर। जब मैंने यहां पर हर घंटे में यहां पर स्टोरी डाली थी, तो यहां पर मैंने एनालाइज करा था मैंने कि एक दिन तो मैंने 6 बजे डाल दी, एक दिन मैंने 5 बजे डाल दी, तो मैं लास्ट मतलब स्टार्टिंग का एक घंटा काउंट करता था कि एक घंटे में कितने व्यूज आ रहे हैं, तो इसका मतलब सबसे ज्यादा लोग इस टाइम पर एक्टिव है। अब यहां पर कोई इंस्टाग्राम ने तो ये ट्रिक मुझे बताई नहीं, ये ट्रिक मैंने अपने दिमाग से सोची, तो इसलिए आप समझ कहते हो कि थोड़ा दिमाग लड़ाया करो अपनी तरफ से। यहां पर ये ट्रिक आपको मैं बता रहा हूं बेसिकली, यहां पर मैंने सोची थी, बट कोई दिक्कत नहीं भाई, आप मेरे सब कुछ हो भाई, तो यहां पर भाई आपको मैं बताता हूं हर चीज, ठीक है ना। तो यहां पर आप हर घंटे मतलब हर दिन अलग अलग घंटे में आप अपलोड कर सकते हो। फर्स्ट का एक घंटा देखो ये किस पे कितने ज्यादा व्यूज आ रहे हैं, लाइक आपने मंडे को 6 बजे अपलोड करी, 6 से 7 में आपके 100 व्यूज आ रहे हैं, आपने ट्यूजडे को 7 बजे अपलोड करी तो 7 से 8 आपके आ रहे हैं 200 व्यूज, तो इसका मतलब 7 से 8 टाइम आपके सबसे ज्यादा एक्टिव है फॉलोवर्स, तो उसी टाइम पर रील्स अपलोड करो। तो यहां पर पता लगाने के लिए आप ये ट्रिक अपना सकते हो। अगर आपको इसमें भी कंफ्यूजन हो रही है तो इंस्टाग्राम की बात मान सकते हो, क्योंकि जो लास्ट क्रिएटर वीक हुआ था उसमें इंस्टाग्राम ने साफ बात बोली थी कि हम यहां पर जो एक्टिव फॉलोवर्स होते हैं, जो हम बताते हैं डेटा बताते हैं अकाउंट यहां पर बंदों को ओनर को, तो यहां पर हम उस पर काफी ज्यादा यहां पर फोकस कर रहे हैं कि मतलब बंदों को सही टाइम बताएं, तो आप इस पर भी फोकस कर सकते हो। या फिर अगर आप इंस्टाग्राम की आपको हल्का सा डाउट है, तो जो ट्रिक मैंने आपको बताई वो तो आपको लाइव प्रूफ है भाई, जाहिर सी बात है लाइव प्रूफ है, बंदे देख रहे हैं आपकी स्टोरी तो जाहिर सी बात है भाई वो एक्टिव ही है। तो यहां पर मैंने आपको ऐसी भी ट्रिक बता दी कि जो आपको लाइव प्रूफ दिख रहा है, और यहां पर अगर आपको इंस्टाग्राम की बात माननी है तो वो भी आपको बता दी कि यहां पर आप जाके पता लगा सकते हो। तो आपके ओपिनियन है कि आप किस टाइम पर अपलोड करो, बट उसी टाइम पर अपलोड करना जब आपको लगता है कि मेरे फॉलोवर्स सबसे ज्यादा इस टाइम पर एक्टिव है, उस टाइम पर अपलोड करोगे एकदम से जनता आएगी तो इंस्टाग्राम उसको आगे भी भेजेगी। कभी कभी आपके साथ ऐसा होता है ना, जब आप रील्स अपलोड करते हो तो एकदम से भाई 2-3 हजार व्यूज आ जाते हैं, ऐसा होता है ना, वो इसलिए ही होता है क्योंकि एकदम से आपके पास यहां पर पब्लिक आ जाती है और इंस्टाग्राम एकदम से दूसरों के पास भेज देती है। बट कभी कभी ऐसा होता है कि आपके पास व्यूज ही नहीं आते, 100-200 रह जाते हैं, क्योंकि आप गलत टाइम पर अपलोड करते हो। उसके बाद क्या होता है, एक दो पब्लिक आते हैं तो इंस्टाग्राम एल्गोरिथम आते नहीं है आपकी रील्स पर, बाद में आते अगर आते भी तो है, ठीक है ना। तो इसलिए भाई इस टाइम पर अपलोड करो जब आपके फॉलोवर सबसे ज्यादा एक्टिव है। और भाई तुम भाई की प्रेडिक्शन देख रहे हो, कल मैंने वीडियो में बोला था कि भाई आज मेरे 50,000 फॉलोवर्स कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है ना, कल मैंने वीडियो बनाई थी। तो यहां पर मैं उसके अगले दिन नेक्स्ट डे आज वीडियो बना रहा हूं, ये वाली वीडियो तो मैं कल अपलोड करूंगा, बट आज मैं आपको बता रहा हूं कि 50,000 मेरे फॉलोवर्स कंप्लीट भी हो गए। तो भाई मुझको पता है मेरा अकाउंट कहां तक जाएगा कहां तक नहीं जाएगा। अगर आप एल्गोरिथम को बिल्कुल बारीकी समझ गए ना, तो आप ये भी पता लगा सकते हो कि आपका अकाउंट कितना आगे जाना कितना आगे नहीं जाना। मैं किसी भी अकाउंट को देख के ये बता सकता हूं कि ये अकाउंट वायरल होगा या फिर नहीं होगा, इतनी नॉलेज तो हो गई है तुम्हारे भाई को, यहां पर भाई प्रूफ देख सकते हो आप, ठीक है ना। तो भाई अगर आपको भी कोई क्वेरी क्वेश्चन वगैरह तो नीचे कमेंट कर देना, और हाँ अगर आपको ऐसे एल्गोरिथम और समझने हैं तो भाई इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मैं ऐसे आपको एल्गोरिथम धीरे धीरे बताते रहूंगा। तो बस यार आज की वीडियो में तो इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में, इसी के साथ हमारे प्यार के और फिर मिलेंगे, चलते चलते।